नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। तो सबसे पहली खबर, तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। जीजे ढायक नमुतल्ला और पूर्व केंद्रीय मंत्री दसई चौधरी जदयू में शामिल हो गए। जदयू प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह ने मंगलवार को राजद विधायक नमुतल्ला और पूर्व केंद्रीय मंत्री दसई चौधरी को जदयू की सदस्यता दिलाई। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि राजद में किसी का कोई सम्मान नहीं है और वहाँ पैर ही टिकट मिलता है। मौके पर कांग्रेस के सीतामढ़ी जिला अध्यक्ष विमल शुक्ला और शिवहर जिला के प्रभारी आदित्य मिश्रा ने भी अपने समर्थकों के साथ जदयू की सदस्यता ग्रहण की। अगली बड़ी खबर, गोरखपुर से हावड़ा जा रही पूर्वांचल एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर के सीतौल स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। यह हादसा मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड पर हुआ है। ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसा एसी के उपकरण टूटकर पटरी पर गिरने के कारण हुआ है। ड्राइवर ने काफ़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया है। दुर्घटना में ट्रेन के सभी यात्री सुरक्षित हैं। इस रूट पर ट्रेनों का आवागमन फिलहाल रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैमूर के रामगढ़ और अरवल में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए राजद समेत विपक्ष पर सीधा हमला किया। उन्होंने कोरोना काल में हुए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बिहारियों के लिए किए गए अपने कामों को बताया। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा जब कोरोना काल में लौट रहे थे तो दिल्ली में उनमें सबसे पहले आम आदमी पार्टी के लोगों ने दुर्व्यवहार किया, लेकिन जैसे ही यूपी आए तो हमने उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था कराई, उनको बिहार तक पहुँचाने का उचित प्रबंध करवाया। पिछले 7 महीने से पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। पीएम ने कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन किसानों के खाते में पैसे दिए हैं। अगर राजद की सरकार होती तो क्या ऐसा मिल पाता? फिर राजद पर हमला जारी रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पोस्टर में 4 के अलावा किसी 5वें की फोटो तक दिखाई नहीं देती है। जब पोस्टर में जगह नहीं दे पा रहे तो क्या सत्ता में देंगे? चारा घोटाले को याद करते हुए योगी ने कहा कि इन लोगों को पेट तो इतना बड़ा है कि गरीबों का राशन तो खाया ही खाया, गाय भैंस का चारा खा गए थे। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद जब सत्ता में थे तो अपहरण उद्योग के अलावा सारे उद्योग बंद पड़े थे। गांव में अपराधियों नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती थी। स्कूल कॉलेज की हालत खराब थी और पटना में शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी, लेकिन जब वे सत्ता से बाहर जेल में आराम कर रहे हैं तब बिहार के विकास के लिए चिंतित दिखने की कोशिश कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके राज्य में बिहार सरकार का बजट मात्र 24,000 करोड़ था और विकास दर 3 से 4% थी, वे उस एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं जिसका सालाना बजट 2,00,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा है और विकास दर दहाई अंकों में रही है। लालू प्रसाद ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उनका युग बिहार का स्वर्ण काल था और यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी। जनता की स्मरण शक्ति इतनी कमज़ोर नहीं है कि नरसंहारों की झाड़ू लगाकर खून की नदी बहाने वालों को झांसे में आ जाए। तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अब उनके बेटे नेता प्रतिपक्ष भी हमलावर होते नजर आ रहे हैं। अब तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर नया आरोप लगा दिया है। तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की शुरू से ही बिहार में उद्योग लगाने की मंशा नहीं थी, इसको लेकर बहाना खोजते हैं। बिहार में उद्योग होता तो लोगों को नौकरी मिलती और बिहार का पैसा बिहार में ही रहता। उन्होंने कहा कि शिक्षा और इलाज का पैसा बिहार से बाहर जाता है, बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तो छपरा परसा मधेपुरा और रेलवे का कारखाना लगा, लेकिन नीतीश कुमार थक गए हैं, उनका अब बिहार संभल नहीं रहा है, जिसके कारण उनके अब कारखाना नहीं लगा सकते हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते हैं। हरियाली मिशन के तहत 24,000 करोड़ रुपये कहाँ से आया है? आइए अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 1837 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 2,06,961 तक पहुँच गई है। बिहार में फिलहाल 12,168 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। तो वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले
ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 392 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना से 7 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरने वालों की संख्या 1003 तक पहुंच गई है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 1195 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। राजधानी पटना और इसके आसपास के लोगों को कोरोना संकट के इस काल में अब दिल्ली जाने के लिए फजीहत नहीं झेलनी पड़ेगी। जी हां, कोरोना संक्रमण के कारण 7 माह से बंद चल रही स्लीपर और सिटिंग बसों का परिचालन बिहार राजपथ परिवहन निगम शुरू करने जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार से ही 2 ऐसी बसों का परिचालन शुरू हो गया है। वहीं अगर बात करें किराए की तो स्लीपर बसों का किराया 1800 रुपये और सिटिंग बसों का किराया 1650 रुपये है। गांधी मैदान के पास बाकीपुर बस स्टैंड से हर दिन बसें दोपहर 1 बजे और शाम 4 बजे खुलती है। यह बस दिल्ली 19 घंटे में पहुंचाती है। एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभा करने निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कल 2 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। औरंगाबाद और जहानाबाद की सभाओं में कल उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को औरंगाबाद के रफीजगंज में चुनावी सभा को भाषण दे रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने हंगामा करना शुरू कर दिया। अपने दोनों हाथों में कागज कलम लिए व्यक्ति चोर है चिल्लाना शुरू कर दिया और हंगामा होते देख सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आ गए। नीतीश की सभा में हंगामा कर रहे व्यक्ति को पुलिसकर्मियों ने धक्के देकर बाहर निकालना शुरू कर दिया। इसी बीच मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि हंगामा कर रहे व्यक्ति के हाथ में जो कागज है उसे लेकर उनके पास पहुंचा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों से कहा कि वे धक्का मुक्की ना करें, अगर मीडिया वाले उस आदमी से बात करना चाह रहे हैं तो बात करने दें। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद पुलिसकर्मियों ने धक्का मुक्की करना छोड़ा। उधर जहानाबाद में नीतीश कुमार के जनसभा के दौरान भी लोगों ने नारेबाजी की। लोगों ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए। बिहार में हो रहे चुनाव के परिणाम को लेकर अभी से ही नई संभावनाओं का खेल शुरू हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल कहा कि चुनाव परिणाम के बाद अगर सरकार बनाने के लिए मदद की जरूरत पड़ी तो वे चिराग पासवान का भी साथ ले सकते हैं। हालांकि लोजपा ने आरजेडी से तालमेल की संभावना से इनकार कर दिया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम 6 बजे देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने देशवासियों से कहा कि विश्व में सभी देश वैक्सीन के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। सरकार इस प्रयास में है कि जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध हो वह हर भारतीयों को मिले। भारत में COVID-19 के मरीजों के लिए 90 लाख बेड है, 12,000 क्वारंटीन सेंटर है, लगभग 2,000 कोरोना की जाँच के लिए टेस्ट लैब है। देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना टेस्ट हो चुका है। यह कोविड के खिलाफ आप हमारी लड़ाई है। पीएम मोदी ने कहा कि त्योहार के इस मौसम में आप स्वस्थ रहे यह मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप सब सपरिवार खुश रहे और सतर्क रहे ताकि कोरोना का कहर आप सब तक ना टूटे। फिर पीएम मोदी ने कहा कि देश में लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमने जनता कर्फ्यू से अब तक लंबा सफर तय किया है, अब अनलॉक शुरू हो चुका है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना वायरस अभी भी बना हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ते सियासी तापमान के बीच बहुत चर्चित चारा घोटाला में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। इनकी ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत देने का आग्रह किया गया है। आपको बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को इस मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता देवर सिंह मंडल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इनकी ओर में जमानत के लिए दलील दी गई है कि उन्होंने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में 42 माह जेल में गुजार लिया है, इस आधार पर उन्हें जमानत दे दी जाए। उन्होंने अपनी बीमारी का भी हवाला देकर जमानत देने का आग्रह किया है।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी के नेता और पूर्व एमएलसी अनुज कुमार सिंह ने जदयू की सदस्यता हासिल कर ली है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी की उपस्थिति में इन्होंने जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा है। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते ही जदयू के मुखिया ने इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बीजेपी के पूर्व एमएलसी अनुज कुमार सिंह को अपनी पार्टी में शामिल करते ही प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया है। अगली बड़ी खबर, औरंगाबाद के गोह में कल चुनावी रैली करने गए तेजस्वी यादव पर भीड़ में से दो चप्पल फेंके गए। एक चप्पल तेजस्वी यादव के हाथों में जाकर लगा। चप्पल फेंकने वाला एक दिव्यांग युवक बताया जा रहा है, वो जो खुद को बीजेपी का समर्थक बता रहा था। इसके बाद वहां भारी अफरा तफरी मच गई। सभा में आए लोगों ने चप्पल फेंकने वालों को पकड़ा। वह ट्राई साइकिल में बैठा दिव्यांग युवक निकला, लिहाजा तेजस्वी समर्थकों ने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। पकड़े जाने के बाद दिव्यांग युवक ने बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। लोगों ने उसे सभा स्थल के बाहर कर दिया। इस दौरान तेजस्वी यादव भी दिव्यांग के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करने की अपील करते रहे। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार करने गए नीतीश के मंत्री पर लोगों ने फेंका गोबर, गंदी गंदी गाली देकर गांव से भगाया। जी हां, श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा लखीसराय के तरहारी गांव में जनसंपर्क अभियान को लेकर लोगों के मिलने पहुंचे थे। मंत्री विजय सिन्हा लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी है, लेकिन इनके काम को लेकर स्थानीय लोगों में काफी असंतोष है। जब मंत्री जी अपने ही इलाके में लोगों से वोट की अपील करने पहुंचे तो उनके ऊपर लोगों का गुस्सा उठा और लोग उन्हें गांव से खदेड़ने लगे। और अंत की सबसे बड़ी खबर, मंगलवार को राजधानी पटना स्थित बिहार सचिवालय में आग लग गई। बताया जा रहा है कि बिहार सचिवालय के ग्रामीण विकास विभाग में आग लगी है। आग कैसे लगी अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन आग की लपेटें इतनी तेज थी कि एक साथ 6 कमरों में आग फैल गया। सभी जरूरी कागजात और सामान जलकर खाक हो गई। घटना देर रात की है, रात से ही आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक कमरों से धुआं निकल रहा है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण होगी। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब